वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी क्रम में हर घर तिरंगा को लेकर सहारनपुर पुलिस ने बाइक रैली निकाली। वहीं सहारनपुर पुलिस लाइन से DIG सुधीर कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। इसी दौरान SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, ASP प्रीति यादव भी मौजूद नजर आए। वहीं DIG सहारनपुर रेंज ने इस दौरान ये कहा कि देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, उसके दौरान 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये जो आज़ादी का जो सप्ताह है अमृत महोत्सव का, वो मनाया जाएगा। और इसी के दौरान विभिन्न कार्यक्रम जिला पुलिस द्वारा की आयोजित किए जा रहे हैं। उसी में सुबह के समय में जो साफ सफाई है उसका कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद एक साइकिल रैली हुई थी, झंडारोहण सभी जनपदों में हुआ, और अभी ये एक जो वाहन रैली है वो निकाली गई तिरंगे के साथ। तो ये मैसेज है आम जनता के लिए कि पुलिस हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रही। हम सुरक्षा का वायदा करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा का वायदा करते हैं। और वही चंदन की लकड़ी की तस्करी में शामिल गैंगस्टर महमूद आलम अंसारी की 33.59 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कार्रवाई में डुगडुगी पिटवा कर DM का आदेश चस्पा करते हुए मोहल्ला चौक की उसकी आलिशान कोठे को सील कर दिया गया। इससे पहले 25 जून को चंदन तस्करी के मुख्य आरोपी कमर अहमद अंसारी और उसके बेटे शाकिर उर्फ बंटी की भी 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की गई थी। आपको बताएं कि अमरोहा ज़िले के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने शहर के हाशमी नगर इलाके से चंदन तस्करी का मामला पकड़ा था और इसी पूरे मामले में पहले 2 मुख्य आरोपियों की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। आज तीसरे आरोपी महमूद आलम अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया। हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान के तहत अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम तरीके से हुआ। इसी क्रम में बागपत के बड़ौत की जनता वैदिक महाविद्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जिलाधिकारी राजकमल यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। दरअसल यह यात्रा कॉलेज के मैदान से शुरू होकर नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौली, टयोढ़ी, सरूरपुर, गौरीपुर, सिसाना, राष्ट्रवंदना चौक होते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज जाकर खत्म हुई। इस तिरंगा यात्रा में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, युवा, बुजुर्ग शामिल रहे। देखिए, आज जो हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके क्रम में जनपद के सभी लोगों ने इच्छा व्यक्त करी कि सर एक इस प्रकार की एक यात्रा और जो हमारा सम्मान है वो सभी लोगों के प्रति जागरूकता के लिए कि 13 से 15 तारीख तक हम लोगों को हर घर झंडा लगाना है, उसकी जागरूकता के लिए आज हम लोग ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ जाट कॉलेज से लेकर हम लोग पृथ्वीराज कॉलेज जा रहे हैं, मार्केट में जाएंगे, बड़ौत के मार्केट में जाएंगे, बागपत के मार्केट में जाएंगे, बीच में जो गाँव पड़ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर फिरोजाबाद पुलिस लाइन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और इस मैराथन दौड़ को SSP आशीष तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको ये बताएं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। 5 किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ का आयोजित करने का उद्देश्य खुद को फिट रखने के साथ ही देश की आज़ादी का भी जश्न मनाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ अन्य लोगों से भी अपील की गई है कि वह भी देश का 75वां आज़ादी का जश्न दिल खोल कर मनाएं। 11 से 17 जो है लगातार पुलिस विभाग के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी लोग मना रहे हैं 75वें वर्ष का, तो उसको देखते हुए आज पुलिस लाइन में मैराथन का ऑर्गेनाइज किया गया था, मैराथन का, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो हमारे टॉप पार्टिसिपेंट्स थे उनको प्राइज भी मिला, बट बाकी पार्टिसिपेंट्स को हौसला अफजाई भी मिली। तो ये जो प्रोग्राम है वो लगातार चलेंगे, इसमें अधिकारियों ने भी पार्टिसिपेट किया और आगे भी जो प्रोग्राम होंगे उनको भी पूरे जोशों खरोश से हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आप भी इस मैराथन में दौड़े सर, क्या मैसेज देने का प्रयास किया? देखिए, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और जो हमारा
हर्षोल्लास है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमारे पुलिस कर्मचारी भी सभी लोग दौड़ रहे थे, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया और उसमें पार्टिसिपेट किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बदायूं जिले के कस्बा उसहत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसी क्रम में शहर से लेकर गांव तक तिरंगा यात्रा की धूम मची हुई है। हमारा जो देश है, हम सब एक हैं, पहले से एक रहे हैं और हिंदुस्तान में सबका हिस्सा है, एक नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बचाएंगे। समाज को ये देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, किसी किस्म की कोई बात ना होने। गाजियाबाद जिले से अगली खबर आपको बताया, जहां पर पॉस्को कोर्ट ने एक महीने के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताएं कि गाजियाबाद के मुख्य पॉस्को कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और पॉस्को कोर्ट के जज हर्षवर्धन ने ये फैसला सुनाया है। तत्काल हम लोगों ने मुखबिर और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को, ये विवेचना स्वतंत्र देव सिंह जो सीईओ हैं वर्तमान, उन्होंने इसको अरेस्ट किया 2 दिन के अंदर अंदर और विवेचना बहुत तीव्र गति से प्रारंभ की। 3 महीने के अंदर विवेचना भी की और 1 महीने के अंदर हम लोगों ने कोर्ट में सजा दिलाने का काम किया और बड़ी मुस्तैदी के और तेजी से बहुत गति पकड़कर इसको काम किया। 1 महीने के अंदर सजा दिलाई जो पूरे भारत में सभी कोर्ट में होनी चाहिए। इस बेटी को आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है। मैं समझता हूँ इस बहन ने मेरी राखी बांधी, मैंने उसका मूल उतारा है। बुलंदशहर जिले में बहन भाई के त्योहार यानी रक्षाबंधन पर लोग रोडवेज की बसों पर लटक कर सफर कर रहे हैं। लोग चलती बस में बस के दरवाजे पर लटक रहे हैं। बसों में चढ़ने की आपाधापी में यात्री एक दूसरे से धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर जिले में बदायूं मेरठ मार्ग पर स्थित अहमदगढ़ की हैं। हापुड़ जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र में 2 युवकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। आपको ये जानकारी दें कि युवकों ने शराब के नशे में पुलिस से बदसलूकी की। दरअसल पुलिस को 2 पक्षों के बीच मारपीट होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास भी किया था। साथ ही साथ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो नशे में धुत जो युवक थे, उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की, बदसलूकी की। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, उसी को सुलझाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, जिसके साथ ये अभद्रता की गई। यहां रुक रहे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं आप कुछ और खबरों की तरफ। बुलंदशहर जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिससे कि 18 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे SDM और CO ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। मेरठ जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग जो कार थी वो आग का गोला बन गई। काशी टोल प्लाजा के पास ये पूरा हादसा हुआ, जिससे राहगीरों ने अपने फोन में कैद कर लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन दमकल की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंची, जिसके चलते आग
पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के कली लकीपुरा में एक महिला का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया और इस पूरे घटनाक्रम में तीनों कहीं ना कहीं आपको बताएं कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही साथ तीनों की मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, तीनों लोगों की मौत हो गई है और बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में तीन युवकों को रौंदा गया तो बस ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई है। तो हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। जो दरअसल आपको बताएं कि यूपी के बुलंदशहर का ये पूरा मामला है जहां पर बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया गया। घटना में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर दर्दनाक हादसे में मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और तो बुलंदशहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर तीनों की मौत हो गई है। तो बस ने बाइक सवारों को रौंदा है। दरअसल बुलंदशहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में रोडवेज बस ने तीन बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। घटना में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। इसी दौरान हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। एटीएस की टीम ने पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बड़ी जानकारी दे रही है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। तहरीक है तालिबान से जुड़ा हुआ था आतंकी, तो ये बड़ी कामयाबी सहारनपुर एसटीएफ को मिली है। एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सहारनपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी ये बताया जा रहा है जिसे सहारनपुर एटीएस ने गिरफ्तार किया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है इस टीम ने। तो सहारनपुर से बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं, एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आतंकी था जिसे गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी एटीएस को मिली है। तहरीक है तालिबान से जुड़ा हुआ था ये आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो सहारनपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी आतंकी साजिश को एटीएस की टीम ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, ये काफ़ी अहम है और काफ़ी अब कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 15 अगस्त है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी फिराक में रहते हैं, किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में कहीं ना कहीं आतंकी होगा, लेकिन इस साजिश को नाकाम किया है सहारनपुर की एटीएस टीम ने।
तो जैश ए मोहम्मद का आतंकी बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब आगे पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, लगातार क्योंकि बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, बड़े ही आतंकी साजिश को नाकाम किया है एटीएस की टीम ने। पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ ये आतंकी बताया जा रहा है। तहरीक है तालिबान का ये पूरा आतंकी है जिसको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता एटीएस के हाथ लगी है। और इसी बीच अब यूपी के आगरा जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बटेश्वर की यमुना नदी में नहाते वक्त युवक डूब गए, पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। तो यूपी के आगरा में नदी में नहाते समय दो युवक डूब गए, जिससे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई और पुलिस का रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। आपको बताएं कि दरअसल युवक की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक युवक को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया, जबकि दूसरा युवक जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उसकी तलाश अभी जारी है, वो लापता बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 5 लोग नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन 2 के साथ यह हादसा हुआ। पूरी घटना बटेश्वर के यमुना घाट की बताई जा रही है। जैसा कि यहाँ पर बहाव काफी तेज है नदी का और ये हमेशा बना रहता है, एक की बॉडी प्राप्त हो गई है। दीपक बनाप यादराम जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, पूरा गोवर्धन योगिया तहसील यतमादपुर के हैं, इनकी बॉडी प्राप्त हो गई है, इनको सीएचसी रेफर कर दिया गया है, वहाँ मृत्यु घोषित हो गए। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।